भूमि बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले सोमवार को भूली ओपी क्षेत्र के ग्रामीणों ने रणधीर वर्मा चौक पर एक दिवसीय धरना दिया। ग्रामीणों का कहना था कि भूली ओपी के आरक्षी निरीक्षक धनंजय कुमार ने झूठा केस कर एक परिवार के कई लोगों पर गंभीर आरोप लगाया है, जबकि केस में नामजद किसी भी व्यक्ति का कोई दोष नहीं है। ये सब कुछ भूमाफियाओं की मिलीभगत से किया जा रहा है। धरना पर बैठी पुष्पा कुमारी ने बताया कि 24 जून को रात्रि के करीब 9:30 पर भूली ओपी के धनंजय कुमार के द्वारा मणिलाल महतो को फोन किया गया और उनके वॉशिंग सेंटर पर आने को कहा, जबकि उस वक्त दुकान बंद था। फोन पर कहा गया कि आपके दुकान पर एक अज्ञात कार खड़ी है, उसकी जानकारी चाहिए। मणिलाल ने कहा आज घर में शादी है, नहीं आएंगे। इसके बाद रात्रि में करीब 10:15 के बीच पुलिस की गाड़ी आई और कई पुलिसकर्मी द्वारा मारपीट किया गया। उसके बाद अगले दिन झूठा केस भी दर्ज किया गया। 24 तारीख को एक वाहन जो है कोई स्विफ्ट डिजायर थी व्हाइट कलर की, वो गया पुल के पास बहुत ज्यादा स्पीड से आ रही थी, तो जो बैंक मोड़ थाना प्रभारी हैं उनको ऐसा लगा कि वो गाड़ी संदिग्ध है, तो उन्होंने उस गाड़ी को चेस करने की कोशिश की और फिर उन्होंने भूली ओपी को बताया कि ऐसा ऐसा बात है, कोई गाड़ी है उसको देखा जाए। तो होता यह है कि वो गाड़ी एग्जैक्टली जो मणिलाल महतो का जो वॉशिंग सेंटर है वहाँ पर रुकता है। जब वो गाड़ी वहाँ पर रुकती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, तो जो धनंजय कुमार हैं उन्होंने फ़ोन किया मणिलाल महतो की आपके वॉशिंग सेंटर में ऐसा ऐसा बात है, आप आइए, ठीक है। तो फिर वो उस दिन शादी था, चौरसिया परिवार एक हमारे यहाँ है, तो वहाँ पे सारे लोग थे। जब उन्होंने बार बार फ़ोन किया, जो पेपर है उसमें कॉल डिटेल्स भी है कि कॉल आया था, तब वो लोग जब नहीं गए तो वो हमारे घर पे आए और वहाँ पे बदसलूकी की, और उसी बदसलूकी के बीच में जो शर्ट चाचू ने पहना हुआ था वो शर्ट फट गया है। मैंने वो शर्ट मंगवाया है, उस शर्ट में पूरा का पूरा फटा हुआ है, और बदतमीजी की और उसी के बीच 24 घंटे के बाद FIR फाइल किया गया, और उस FIR में उसमें 11 धाराएं लगाई गई है, बल्कि मैटर क्या था, ओवर स्पीडिंग था। ओवर स्पीडिंग में उनका कहना यह था, नेक्स्ट डे पेपर में भी आया था इस मैटर को लेकर, उनका कहना था उसमें जो संदिग्ध थे उसमें 4-5 लोग थे, जो भी है उस 5 लोगों को छोड़कर किसी के बारे में कुछ भी नहीं पता किया गया। उसमें सिर्फ एक लड़के का नाम डाला गया, उसके अलावा बाकी पूरा का पूरा मेरे परिवार का नाम डाल दिया गया। और उस केस के चक्कर में अभी बहुत सारा चीज़ है जो अब बात दरअसल ऐसा ये नहीं है कि मुझे जहाँ तक लगता है 1 महीने पहले उसी जगह पे गोली चला था, उसके बारे में भूली ओपी में एप्लीकेशन दिया गया था, तो उसका क्या स्टेटस है, उसका तो कोई स्टेटस नहीं है। बात दरअसल ऐसा है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये सिर्फ मेरा या हमारा प्रॉब्लम नहीं है, जितना भी अगर सर्वे कीजिएगा हमको लगता है हर दिन किसी ना किसी पेपर में हाँ हम अब मेरे परिवार का नहीं, आप किसी भी एरिया का जब बात करेंगे तो हर एरिया में कोई एक इंसान होता है जो उस एरिया की अच्छाई के बारे में और जमीन को बचाने के बारे में काम करता है। अगर आप इस तरह से देखिएगा तो हर एरिया में कोई ना कोई आपको ऐसा पर्सन मिलेगा उसको दबा के ये सारा कुछ जमीन के आगे पीछे का काम है, ठीक है। कोई भी फ्रंट में नहीं आता है ना, कोई भी फ्रंट में अगर प्रत्यक्ष रूप से सब कुछ हो तब तो पता चल जाता है सब कुछ, और ये सारा चीज जमीन को ही लेकर है। वरना एक बात बताइए, मेरा भूली ओपी के साथ क्या है, और इससे पहले भी हम लोग भूली ओपी में रहे, बहुत सारा ऐसा मैटर रहा, आज से पहले ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ? आज से पहले कोई बता दे, कोई थाना प्रभारी या कुछ भी कह दे कि कोई मारपीट हुआ है, ऐसा कुछ भी हुआ? पिछले दिनों भूली प्रशासन के द्वारा बेमतलब का लाठी चार्ज करते हुए झूठा मुकदमा दायर किया गया, उसके खिलाफ में आज एक दिवसीय प्रदर्शन और वरीय पदाधिकारी से निष्पक्ष जांच की मांग के तहत आज एक दिवसीय धरना पर हम लोग रणधीर वर्मा चौक में बैठे हुए हैं। क्या हुआ, क्या मामला, क्या मामला? पुलिस का अचानक जो है सो किसी कार को पीछा करते हुए पहुंचे और वहां पर कुछ लड़का लोग था जिसको लाठी चार्ज किए, उसके बाद वहां पर रखे बाइक को भी जो है सो जबरन जब्त कर रहे थे। जिस कार को पीछा करते हुए पहुंचे थे उस कार को जब्त करने पर हम लोगों का किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं था, और बाइक सब जब आप जब्त कर रहे थे उसी में आपत्ति प्रकट करने का बात हुआ, आपत्ति प्रकट किया गया, तब जो है सो लाठी चलाया गया और उस बीच में नोकझोंक दोनों तरफ से हुआ और ताबड़तोड़ जो है सो लाठी चार्ज हुआ। वहाँ जो है सो लाठी चार्ज करने के साथ साथ घर पर भी एक राउंड और फिर जाके लाठी चलाया और मारपीट किया गया। मामला कहाँ का है और कितने तारीख का? मामला पांडेरपल्ला का है, वो मणिलाल महतो का मामला है, वॉशिंग सेंटर का, 25 तारीख का। मांग क्या है? जिला प्रशासन से निष्पक्ष जांच हो और FIR जो किया गया है एक ही परिवार का 5 सदस्य को, महिला बच्चा सबको जो है सो FIR में नेम्ड किया गया है, उस पर निष्पक्ष जाँच करके
जो है सो केस बिना शर्त जो है उठाया जाए। लिखित शिकायत हम लोग वरीय पदाधिकारी को कर चुके हैं। भूली का एसआई है या मैंने जिम्मेदार भूमि मणिलाल महतो जी भूमि बचाओ संघर्ष समिति के नेतृत्व करता है और वो जो है भूमि बचाने का काम करते हैं और भूमाफिया लोग आए दिन उस क्षेत्र में जमीन का तरह तरह का जो है जमीन को लूटने का जमीन को हड़पने के लिए तरह तरह का हथकंडा अपनाते हैं और जिसका मणिलाल महतो हम लोग जिसका विरोध करते हैं तो आए दिन जो है हम लोगों को किसी न किसी को ही लेके उसको उन मणिलाल महतो जी को तंग करने का यहाँ तक कि उनका परिवार बाल बच्चों को उनको तंग करने का परेशान करने का कोशिश किया जाता है। मतलब भूमाफियाओं और कुछ साठ गांठ है पुलिस प्रशासन का भूमाफियाओं का और दबंगों का जो है देखिए बहुत सारे लोग हैं जो जमीन का काम देखिए कारोबार करते हैं वहाँ जमीन का कारोबार करते हैं क्षेत्र में उस क्षेत्र के भूमाफिया जो है कुछ इधर के भी है कुछ आपका ग्रामीण भी है मिली जुली है। ये देखिए इनको तो केस में नाम दिया ही इनके भाई का भी नाम दिया बड़े भाई का क्या नाम है बड़े भाई का उनका भी नाम दिया उसके बाद इनके बीवी बच्चों का भी नाम दे दिया। मतलब इनको जो है कहीं ना कहीं इनको वॉशिंग सेंटर भी जो इनका जो वॉशिंग सेंटर जो चलता है रोजी रोजगार के लिए वॉशिंग सेंटर जो किए हैं ये रोजी रोजगार पे भी जो है इनको ये किया जा रहा है इसको फंसाया जा रहा है।